गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम रजनीश अग्रवाल है, मैं गाज़ियाबाद से बिलोंग करता हूँ। आज इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि स्टूडेंट्स को नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए क्या एडवांटेज है, स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, इसलिए नहीं कि उनको कुछ क्यूरियोसिटी है, कुछ जिज्ञासा है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, वो इसको पढ़ाई इस वजह से करते हैं जिससे कि उनको अच्छी जॉब मिल सके और वो पैसा कमा सके। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो आपको आप एक एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं और आपको ये बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलता है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है, आपको सीखने को मिलता है कि हाउ टू क्रिएट वेल्थ, आपको बताया जाता है और सारे फंडामेंटल्स आपको बताए जाते हैं कि वेल्थ को कैसे करा जाए। नेटवर्क मार्केटिंग में ये सब आपको नॉलेज मिलेगी। जैसे कोई और डिग्री अगर देखें हम, तो जैसे BBA होती है, BBA में सिखाया जाता है कि बिज़नेस कैसे भरा जाए, आपका नहीं दूसरों का, तो आप दूसरों का बिज़नेस ग्रो करने के लिए पढ़ाई करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कोई गलत मतलब ना निकाले, कि पढ़ना ज़रूरी नहीं है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी कोई भी डिग्री लीजिए, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट करिए, लेकिन साइड बाय साइड आपको नेटवर्क मार्केटिंग भी करना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। यहाँ पे आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सेकंड पॉइंट है, आपको यहाँ सीखने को मिलेगा ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में, क्योंकि आपको यहाँ लोगों से डील करना होगा, आपको रोज़ नए नए लोग मिलेंगे जिनके अलग अलग वे ऑफ थिंकिंग होगी, आपको सिखाया जाएगा कि लोगों को कैसे कन्विंस करें, और एक तरह से आप यहाँ सीखेंगे आर्ट ऑफ डीलिंग, लोगों से कैसे डील करें उसकी आर्ट आप सीखेंगे। क्योंकि देखिए, हर इंसान एक कुछ अलग होता है और उसको डील करने का तरीका अलग होता है, तो यहाँ पे आपको बिजनेस डेवलपमेंट सीखने को मिलेगा और ह्यूमन साइकोलॉजी सीखने को मिलेगा। दोनों का कम्बिनेशन आपको काफ़ी ज़्यादा सफल बना देगा और आपको एक एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर बना देगा। तीसरी चीज़ जो आपको सीखने को मिलेगी, आपको मिलेगी यहाँ पे सेल्स एंड मार्केटिंग सीखने के लिए। देखिए, जॉब जब हम करने के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो हम अपना रिज्यूम भेजते हैं कि हम ये बताते हैं कि हमें इतना एक्सपीरियंस है, हमने ये काम किया हुआ है, हमने ये पढ़ाई करी हुई है, हम अपने रिज्यूमे को एक तरह से बेच रहे हैं। और दुनिया का कोई भी काम बिना सेल्स के नहीं हो सकता, चाहे वो सर्विस सेल करें या कोई प्रोडक्ट सेल करें। तो यहाँ पे आपको सेल्स भी सिखाया जाएगा, ये मार्केटिंग भी सिखाई जाएगी, और आप स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट एक ब्रांड इमेज बना देंगे अपनी, और आपको भी लोग बाग जानने लगेंगे आपके खुद के नाम से, तो आप एक ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे। प्लस आपको सेल्स एंड मार्केटिंग टेक्निक्स भी सिखाई जाएगी। यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी भी ग्रूम होगी, क्योंकि ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको कहीं बाहर की दुनिया में नहीं मिलेगी। आप स्कूल कॉलेज में स्टडीज़ करते हैं, लेकिन वो एक लिमिटेड एक्सपोजर मिलता है आपको, यहाँ पे आपको अनलिमिटेड एक्सपोजर मिलेगा। आपको यहाँ ड्रेसिंग सेंस बताई जाएगी कि कैसे ड्रेसअप होना चाहिए, कैसे लोगों से बात करनी चाहिए, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आपको आपका एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, वो आपको सब पूरी ट्रेनिंग मिलेगी। तो यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल निखर के आएगी। फिफ्थ पॉइंट है, यू लर्न पब्लिक स्पीकिंग, आपको लोगों के सामने खड़े होके बोलना भी यहाँ सिखाया जाएगा, क्योंकि आपकी धीरे धीरे करके टीम ग्रो हो जाएगी, तो आपको ही अपनी टीम को एड्रेस करना होगा, तो आपको स्टेज पे जाने के लिए जो डर लगता है वो भी निकाल दिया जाएगा और आपकी पब्लिक स्पीकिंग टेक्निक्स भी अच्छी हो जाएंगी। यहाँ पे यू विल लर्न लीडरशिप, देखिए लीडरशिप आप अच्छी तरह से उतना डिटेल में स्कूल्स या कॉलेजेस में नहीं सीख सकते, यहाँ पे आप सीखेंगे कि लोगों को कैसे डायरेक्शन देना है, आप एक लीडर बन जाएंगे अपनी टीम को हैंडल करते करते, तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है जो एलिमेंट्री लेवल पे नहीं सिखाया जाता है, लेकिन यहाँ आप एक लीडर उभर के आएंगे। सेवन पॉइंट है, आप यहाँ पे सक्सेस पाने के प्रिंसिपल्स लर्न करेंगे, और ये जो सक्सेस पाने के प्रिंसिपल्स हैं, ये ऐसा नहीं है केवल आप नेटवर्क मार्केटिंग में ही अप्लाई कर सकते हैं, आप अपनी किसी भी एग्जिस्टिंग जॉब या बिजनेस में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ आप ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट पे, हर पड़ाव पे ग्रो करेंगे और आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपको पॉजिटिव होने के लिए, रहने के लिए बोला जाएगा, तो आप
के बीच आप इस तरह से तैयार हो जाएंगे कि आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स कभी नहीं आएंगे और नेगेटिविटी को भी आप पॉजिटिव बना देंगे, तो आप लगातार सफलता की ओर बढ़ते रहेंगे। तो देखिए, काफ़ी लोग नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति नेगेटिव होते हैं क्योंकि उनको पूरी नॉलेज नहीं होती है नेटवर्क मार्केटिंग की। तो आपको करना यह है कि आपको उन लोगों की बात नहीं सुननी है जो यहाँ फेल हो चुके हैं, आपको उन लोगों की बात सुननी है जो यहाँ सफल हो चुके हैं। तो देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, उन्हीं प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करना होता है और जितना ज़्यादा आप प्रमोट करेंगे उतना ज़्यादा आपको कमीशन मिलेगा। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। प्रमोट, आप प्रोडक्ट को यूज़ करिए, रेफर करिए, लोगों को बताइए और कमाना शुरू करिए। बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोलते हैं, जैसे दुनिया के सबसे अमीर इंसान बिल गेट्स ने बोला है कि अगर उन्हें सब कुछ दोबारा से स्टार्ट करना हो तो वो नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे। रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा है कि अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं और बाकी सब लोग जॉब ढूंढते हैं। वैरन बफे ने बोला है कि नेटवर्क मार्केटिंग का इन्वेस्टमेंट मैंने सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट किया है और इस समय 60 साल के इतिहास में नेटवर्क मार्केटिंग ज़्यादा एक्सेप्ट करी जाने लगी है। वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में अब इसकी पावर को माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोले हैं, जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी बोला है कि अगर मुझे फिर से दोबारा सब कुछ स्टार्ट करना पड़े तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग में मिलियंस कमाऊंगा। ये विदेशी लीडर्स से हमारे इंडिया के लीडर्स भी नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को समझ रहे हैं। हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बोला है कि नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है जिसको हर किसी यंग मैन एंड वुमेन को जरूर करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि नरेंद्र मोदी जी भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग को क्योंकि उन्होंने आत्मनिर्भर भारत बनाने का आह्वान किया है। तो नेटवर्क मार्केटिंग से अच्छा कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें आप सब आत्मनिर्भर बन सकें। रामविलास पासवान जी ने भी बोला है कि नेटवर्क मार्केटिंग फ्यूचर का बिजनेस है और 21वीं सदी में ये बहुत फ्लरिश करेगा, बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा और इंडियन गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि 2025 में इसका टर्नओवर 9000 करोड़ तक पार करेगा। ये कुछ वर्ल्ड वाइड फैक्ट्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग के। नेटवर्क मार्केटिंग पूरे वर्ल्ड में 190 बिलियन यूएस डॉलर का बिजनेस करती है। अमेरिका की केवल 32 करोड़ पॉपुलेशन है और उसका शेयर है 20%। चाइना, जिसकी 132 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसका शेयर है 19%, जबकि इंडिया में 132 करोड़ पॉपुलेशन है लेकिन उनका शेयर है केवल 1%। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, हमें इसको टैप करना है। तो सभी स्टूडेंट्स भी इसकी तरफ ध्यान दें तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। इवन अब नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स भी लॉन्च हो चुका है और वो एज अ डिग्री कोर्स भी है। तो वो दिन दूर नहीं है जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपको आने के लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। कुछ ट्रेडिशनल प्रोफेशंस का मैं आपको बताऊंगा उनके बारे में। देखिए, डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए, सिंपल MBBS करने के लिए 5 साल का कोर्स होता है और उसमें लगभग 50 लाख का खर्चा हो जाता है और इनकम कितनी आती है, 1 लाख। और आपको पता ही कि आजकल ट्रीटमेंट MBBS डॉक्टर से कोई कराना नहीं चाहता। इसके बाद आपको MD भी करना होगा, खर्चा और होगा, इनकम रहेगी 1 लाख ही। अगर कोई इंजीनियरिंग करता है, 4 साल की इंजीनियरिंग होती है और लगभग खर्चा 5 लाख का आ जाता है, इनकम कितनी मिलती है, 8 से 10 हज़ार। अगर कोई MBA करता है, MBA करने के लिए, ये क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, पहले ग्रेजुएशन करना होगा, खाली MBA करने के लिए 2 साल लगते हैं, खर्चा होता है लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा। मैंने बहुत मिनिमम अमाउंट लिखी है यहाँ पे, ज़्यादा भी हो सकता है। और इनकम कितनी मिलेगी, 20,000 रुपये। देखिए, मैं किसी भी प्रोफेशन या किसी भी एजुकेशन को बुरा नहीं बता रहा हूँ, सब अच्छे हैं, लेकिन हमें कुछ एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए नेटवर्क मार्केटिंग भी करनी चाहिए जिससे कि हम अपने परिवार के भविष्य का को सुरक्षित कर सकें। एक CA होते हैं, CA की देखिए पढ़ाई बहुत लंबी करनी पड़ती है, कोचिंग्स करनी पड़ती हैं और बहुत मुश्किल से नंबर आता है और इसमें टाइम कितना लगता है कोई नहीं जानता। खर्चा आपकी कोचिंग्स में और एक्स्ट्रा खर्चे में 2 लाख रुपये खर्च हो जाएंगे और इनकम कितनी मिलेगी, केवल 20,000 रुपये। देखिए, इतनी कम इनकम के लिए इतना खर्चा करना, ठीक है आप खर्चा करिए, लेकिन साइड बाई साइड आप कोई और बिजनेस भी करिए जिससे कि आपका ये खर्चा निकल सके, खुद ही निकल सके, आपको किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े। आपको एक बहुत अच्छी पॉकेट मनी भी मिलेगी यहाँ से
आप उसको पॉकेट मनी की तरह ट्रीट करिए या इनकम के रूप में ट्रीट करिए और अपनी एजुकेशन की का खर्चा खुद ही उठाइए। पेरेंट्स ने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया है ग्रेजुएशन करने के लिए, तो ग्रेजुएशन का खर्चा आप सबको अपने आप ही करना चाहिए और आपको ये आपका टाइम है कि आप अपने पेरेंट्स को भी रिटर्न दें जो आप अभी तक उन्होंने मेहनत करी है आपके साथ। तो देखिए ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो 3 साल किसी भी बिजनेस को सेट करने में लगता है और इसमें कम से कम कोई भी बिजनेस आप शुरू करेंगे 40 से 50 लाख का खर्चा होगा और इनकम कोई नहीं जानता कितनी होगी, होगी भी नहीं होगी कुछ नहीं पता। 3 साल बाद हो सकता है आपको बंद ही करना पड़े, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो हर किसी को करना चाहिए, चाहे वो यंग हो चाहे वो ओल्ड एज हो, हर किसी को ये करना चाहिए और एज अ स्टूडेंट ये स्टडीज़ के साथ करना काफ़ी अच्छा रहेगा। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। अभी अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू ऑल, विश यू वेल।